और यहाँ पर आज 20 सितंबर को ललितपुर और कासगंज के अभ्यर्थी फौजी बंधक का सपना लेकर आए थे, लेकिन किसी भी कारण निर्धारित समय में 4 चक्कर कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अगर कल कितने बच्चों का मैच बनाया गया, कितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की, जितने भी अभ्यर्थी कौन सा मैच था भैया आपका पहला मैच, लगभग कितने अभ्यर्थी थे एक मैच में? 5 दिन यानी कि नाम भैया यूएन कभी जाए भैया सरकार है मोदी सरकार द्वारा ध्यान दो, ये बस नाम की पहले तो बहुत अगली मिल के नाम पर तुम्हारे संग ठगी हो रही है। भाई का कहना है जीडी का मैच आपका वीडियो टेक्निकल कमेंट है, भैया बता रहे हैं इनका पहला मैच था, पहला मैच जीडी का बनाया गया जिसमें कि 2 से बच्चे थे और उसमें से सिर्फ 6 बच्चों ने रनिंग की, यानी कि इनके अकॉर्डिंग सिर्फ 5 मिनट 3 सेकंड का समय दिया गया, जिसमें सिर्फ 5 मिनट 3 सेकंड में 6 बच्चे निर्धारित समय में रस्सा क्रॉस कर पाए, जिसमें सिर्फ 1 बच्चे ने एक्सीलेंट फिजिकल मारा, बाकी 5 ने रनिंग क्वालिफाई की, यानी कि 2nd नंबर का फिजिकल रहा। आप कौन से बैच में दौड़े? आपके बैच में बच्चे मेरे 3 बच्चे पकड़े थे, फिर 10 बच्चे पकड़े थे, 15 का दिया, उसमें बच्चों पर नहीं लगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तैयारी हमारी थोड़ी हल्की थी, डॉक्यूमेंट सब चेक कर रहे हैं, हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है, 1 टेस्टर ले रहे हैं और उससे ऐसी कोई और दिक्कत नहीं है। यानी कि टोटल आपके बैच में 13 बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की। बैच कितने बच्चों का बनाया था? 300 बच्चों का था, हमारे 250 का बनाया था। अच्छा, जैसे कि अब बात करें सबसे पहले एंट्री की, कितने बजे से एंट्री स्टार्ट हुई? एंट्री हुई है 12:11 बजे 12:30 में। अच्छा, एंट्री के टाइम क्या क्या चेक किया था? एंट्री के टाइम आधार कार्ड दिया है, मूल निवास वो नहीं, ओरिजिनल देंगे, ओरिजिनल है बस, और कुछ नहीं लिया है। यानी कि जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, एंट्री के टाइम आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए और मूल लिवास, ये ओरिजिनल यहाँ पर चेक कर रहे हैं, उसी के बाद आपको एंट्री दी जा रही है। पहला बैच भाई ने बताया कि 200 बच्चों का बनाया गया था, जिसमें से सिर्फ 6 अभ्यर्थियों क्वालिफाई की थी। दूसरा बैच भाई बता रहे हैं कि 250 बच्चों का बैच बनाया गया था, जिसमें सिर्फ 13 बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की है, लगभग 5 मिनट 10 सेकंड के एवरेज समय यहाँ पर इतना ही था। आप और पहले मिट्टी में से और कौन दौड़ा था? हाँ, जानकारी बाहर से देख रहे थे, यही जानकारी, इतनी जानकारी बस, 15 लड़के ने 13 लड़के टाइम बता दिया, 5-15 का टाइम है। ये कौन सी भर्ती आपकी लाइफ में? ये हमारी तो 4th भर्ती है, इससे पहले जो आपने भर्तियाँ देखी थी उसका क्या परिणाम रहा? उसका परिणाम रहा था रेस हमारी एजी पे ग्राउंड पर थे, पिछली बार इसी ग्राउंड पर थे। देखिए ये भाई है, और इससे पहले 2021 में फरवरी मार्च में यहाँ पर जो भर्ती हुई थी उसमें इन भाई ने रनिंग क्वालिफाई की थी। और भाई साहब ये ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ग्राउंड की कोई कमी नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है, बच्चा कहीं से भी रेस मारता है जिसकी प्रैक्टिस है उसकी, और नहीं वैसे तो कहते रहे। अच्छा, इस बार क्या कमी रहेगी आप पर? सर हम तो पढ़ाई में लगे रहे, हमें क्या पता नहीं, ये भर्ती आ जाएगी। इस बार फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाए, फिजिकल की तैयारी, टेस्ट की तैयारी में लगे। इसी बात के अच्छा जिन अच्छा भैया जो अभ्यर्थी आगामी डेट में आने वाले हैं, लगभग 20 दिनों तक भर्ती करने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहूँगा? उनके लिए यही संदेश है भैया, अच्छी तरह से तैयारी करना, और टाइम वैसे तो यहाँ पे मतलब पास प्लस का तो टाइम देंगे, 5 बीच का टाइम चाहता हूँ, सबसे अच्छी तैयारी करना भाई, दूसरों के पास मत ले जाना। अच्छा भैया, आपके अकॉर्डिंग यहाँ के ग्राउंड पर जब दौड़ते समय नहीं सर, मेरे तो दौड़ के बच्चे गिर जाते हैं, जीते के चक्कर में उनके डर जाती है। ट्रैक सही है, ट्रैक सही, बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। पहली कहानी होता पहली है, 240 कितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई? 40 बच्चों कितना समय दिया गया? कुछ जान तो पेट को सुखा रहे, अभी आ रहे 40 के बंदा, आपने 4 चक्कर कम्प्लीट होगा, 12:15 पक रही कितना अंतर से रस्ता पर है? ये वही है, ये भाई वही है जो हर बार रस्ता पर रहते हैं। चलिए अभी और मैच आने वाले हैं, रस्ता पर इस वीडियो में।